पहुंचे चुनाव। देश की 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी की शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही बाकी सांसदों को भी शपथ दिलाई गई। बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान के मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संसद में आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। उधर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रोटेम स्पीकर का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने नियमों को दरकिनार कर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वे 7 बार के सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। नियमों के अनुसार कांग्रेस सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, जिसको लेकर संसद के बाहर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा और सत्र के दौरान 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।